दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से आ रही वन ऑफ द मोस्ट मजा वेजी अपकमिंग मूवी देवा के बारे में और जानेंगे कि क्या रहा इस मूवी से बड़ा अपडेट, कब तक होगी यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज और तो और इस मूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी मूवीज के ढेर सारी अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि देवा एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया है रोशन एंड्रयूज ने। और वहीं इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं बॉलीवुड सिनेमा के शानदार एक्टर शाहिद कपूर, जिनका इस मूवी में साथ देती हुई नजर आई है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस पूजा हेगड़े। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म तो होने ही वाली है, लेकिन इस मूवी में भी हमें कबीर सिंह की तरह ही शाहिद कपूर का इस बार एकदम नया अवतार देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस मूवी से आ रहे बड़े अपडेट की, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आलिम इस मूवी के मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि देवा मूवी का शूट रैप अप कर दिया गया है, यानी कि इस मूवी की शूटिंग हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट। और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक दोस्तों, देवा मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी इसी साल यानी कि 2024 में, जिसे आप हिंदी भाषा में देख पाएंगे 11 अक्टूबर को। तो जैसे इस मूवी के मेकर्स इसके टीजर या फिर ट्रेलर को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।